हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख करके समझ ही लिया होगा कि आज मैं किस विषय पर, किस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। दरअसल बैंक में अकाउंट रखना भी आज के समय बड़ा डरावना सा हो गया है। कल को आप कोई नया अकाउंट खुलवाने जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, होम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, कार लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, और आपको शायद पता ही न चले कि इसी के साथ साथ आपका एक और अकाउंट खोल दिया गया है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कल को आप किसी नई नौकरी में ज्वाइन करें, वहां आपसे कहा जाए कि आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है और इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपने दिए, हो सकता है कि एक अकाउंट के साथ में एक दूसरा अकाउंट भी खोल दिया जाए जिसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो। ऐसा क्यों संभव है? आमतौर पर हम गैस किया करते थे कि यार बैंक वालों की मिली भगत के बिना तो ये नहीं हो सकता, हमेशा कहते थे, ऐसा गैस किया करते थे। लेकिन अब गैस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी जहां पर गुरुग्राम में कोटक महिंद्रा बैंक की जो एमजी रोड की शाखा थी, वहां से 3 अधिकारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्या आरोप था उनके ऊपर? आरोप ये था कि 2000 से अधिक खाते उन्होंने जो है फर्जी खुलवाए थे और वो खुलवाने के बाद उनको साइबर अपराधियों को बेच दिया था। 20,000 रुपए एक खाते के एवज में उनको मिले थे। अब यहां पर आपको एक और बात बता देता हूं जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताई थी कि ये खाते ऑन डिमांड खोले जाते थे। यानी कि साइबर अपराधी पहले उनको एक सिम कार्ड भेजते थे, यानी कि उनको बोलते थे कि ये एक मोबाइल नंबर है, ये हमने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट से एक्वायर कर लिया है, अब आपको जो बैंक अकाउंट खोलना है वो इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ही खोलना है। यानी कि ऑन डिमांड जो है वो खाते लिए जा रहे थे उन लोगों से। अब वैसी ही बिल्कुल सिमिलर एक घटना जो है वो दूसरी बैंक के साथ निकल करके आ रही है। ये घटना भी गुरुग्राम से ही जुड़ी हुई है। गुरुग्राम की जो साइबर पुलिस है उन्होंने 3 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और इस बार जो है वो यस बैंक के बैंक अधिकारी हैं। तो चलिए इस पूरी खबर को तफ्तीश से समझते हैं, आगे बढ़ें। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जाते जाते अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ऐसा लगे कि काम की वीडियो है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पूरी घटना समझ लेते हैं। दरअसल पिछले साल अप्रैल 2023 में गुरुग्राम की साइबर पुलिस के सामने केस आया। उसमें क्या था, एक 30 वर्षीय व्यक्ति था, उसको कोरियर स्कैम में फंसा लिया गया था। कोरियर स्कैम क्या है? बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता ही होगा, मैंने भी तमाम वीडियोस बनाए हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक फ़ोन आता है, वो आपसे कहते हैं कि भाई आपके नाम पे कोई कोरियर जा रहा था, उसके अंदर इलीगल सामान मिला है। अब फिर वो आपको सामने से वीडियो कॉल करते हैं, सामने से फर्जी पुलिस वाले आके बैठ जाते हैं, आपको वो लगातार स्काइप कॉल पे एंगेज रखते हैं, कई कई घंटे तक आपसे बात होती रहती है। फिर आरबीआई के अधिकारी बनके, नारकोटिक्स के अधिकारी बन करके अलग अलग लोग आपसे बात करते हैं और आपके खाते से जो है पैसे साफ कर देते हैं। आपको डरा दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा आपके ऊपर, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट से हमारे एक सेफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं ताकि हम आपके अकाउंट की जाँच कर सकें, वगैरह वगैरह। ऐसा करते हुए उस 30 वर्षीय शख्स से 9,52,000 रुपए की ठगी पिछले साल अप्रैल 2023 में हो चुकी थी। अब यहां पर क्या हुआ, साइबर पुलिस ने घटना दर्ज करने के बाद जब जांच शुरू की तो पता चला कि वो जो 9,52,000 रुपए थे उसको जो है 4 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। उसमें से जो एक बैंक अकाउंट था उसमें 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और वो जो खाता था वो किसी मुजफ्फरनगर के रंजन का था। अब ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, खाते में जो केवाईसी है उसकी जांच करेगी। जब पता किया, उस आधार कार्ड पर गए, एड्रेस पर गए, तो पता किया वहां पर वाकई में कोई रंजन नाम का व्यक्ति है। उसको जब बताया गया कि भैया ये तुम्हारा कोई खाता है और इस खाते में जो है ऐसे ऐसे ठगी की रकम आई है तो तुमको तो भैया हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसने बताया कि मेरा ऐसा कोई खाता नहीं है, इसमें जो मोबाइल नंबर लगा है वो भी मेरा नहीं है और ये जो केवाईसी कैसे लगी है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उसको ऐसा कुछ याद आया, उसने कहा हो सकता है कि पिछले साल यानी कुछ महीने पहले मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट था वो मेरी बुआ का बेटा है जो कि यस बैंक में काम करता है, वो दिल्ली की छतरपुर शाखा में काम करता है, तो उन्होंने बताया कि वहां पर मेरा एक बुआ का बेटा है, नाम है रोशन, तो उसने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए थे कुछ खाते खुलवाने के लिए, तो हो सकता है कि उसने कोई अकाउंट खुलवाया हो। अब पुलिस को तो बस इतना ही क्लू चाहिए था। पुलिस पहुंच जाती है छतरपुर की यस बैंक की शाखा में जहां पर सेल्स मैनेजर रोशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पूछताछ शुरू हुई तो उनकी निशानदेही पर पता चला कि छतरपुर के ही ब्रांच में काम करने वाले डेप्यूटी सेल्स मैनेजर अनिकेश जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो पुलिस अनिकेश और रोशन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मोहम्मद मुकीम नाम के एक मैनेजर हुआ करते थे उनकी ब्रांच में उस समय, जिस समय ये अकाउंट खोला गया था, जिनका कि अब ट्रांसफर हो चुका है, वो दिल्ली के लाजपत नगर की यस बैंक की शाखा में कार्यरत है। जी हाँ, लाजपत नगर जो कि एक बहुत ही
प्रीमियम ब्रांच है वहां पर मोहम्मद मुकीम जो कि ब्रांच मैनेजर हैं वो अब वहां पर पोस्टेड हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। अभी जो बैंक मैनेजर साहब थे जब छतरपुर में थे उस समय ये मिली भगत करके इस तरह का कांड किया गया था और बताया गया कि इन्होंने 12 अकाउंट खोले हैं। मतलब ये तो वो कह रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये वो कह रहे हैं कि 12 ऐसे फर्जी अकाउंट खोले थे, लेकिन कितने अकाउंट खोले होंगे इसका कोई आइडिया है नहीं। और अकाउंट भी कैसे खोले गए, सेविंग अकाउंट नहीं खोले गए, करंट बैंक अकाउंट खोले गए। यहां पर जो बुआ के बेटे यानी कि इनके मामा के बेटे हो गए है ना, जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, रंजन नाम है, उनके भाई कुंदन का जो है आधार कार्ड लेकर के उसके नाम पर एक मोबाइल नंबर इश्यू कराया। किसने? बुआ के बेटे ने। कौन था बुआ का बेटा? रोशन। तो रोशन जो कि सेल्स मैनेजर है उसने अपने मामा के बेटे यानी कि अपना जो भाई लगेगा उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर एक पहले फर्जी सिम कार्ड निकलवाया, फिर उसके आधार पर जीएसटी रजिस्टर कराई, एक फर्जी फॉर्म रजिस्टर कराई और उसके बाद जो उनके जो भाई हैं है ना जो रंजन थे उनके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर कराने के बाद एक बैंक खाता खुलवा लिया। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक चालू खाता खुलवाया गया, वो इसलिए खुलवाया गया क्योंकि उसमें अमाउंट की लिमिट ज़्यादा होती है, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप 1-2 करोड़ रुपए ले रहे हो, ट्रांजेक्शन ज़्यादा आ रही है तो उस पर पूछ हो सकती है, लेकिन करंट अकाउंट जो होता है उसमें आमतौर पर क्या होता है, लिमिट ज़्यादा होती है, किसी में 1 करोड़ किसी में 2 करोड़, तो वहां पर कोई ज़्यादा पूछताछ होती नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, मिली भगत करके ऐसा इनका कहना है कि 12 अकाउंट खुलवाए हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो इन लोगों के द्वारा पिछले जो इनके कार्यकाल में खुलवाए हुए सारे अकाउंट्स की जांच करने वाली है कि किस तरह की ट्रांजेक्शंस, किस तरह का लेन देन उन अकाउंट से होता है ताकि और भी सच जो है वो सामने आ पाए। अच्छा तो अब ये समझ लेते हैं कि इनको इसमें मिला क्या तीनों लोगों को। दरअसल इसमें इन लोगों को 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इनको कहा गया कि अगर आप कुछ इस तरह के बैंक अकाउंट का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब 2 लाख में से 1.25 लाख रुपए तो मैनेजर साहब हड़प गए और बाकी जो पैसे बचे थे उसमें इन दोनों लोगों को, डेप्यूटी मैनेजर और सेल्स मैनेजर जो है, इन दोनों लोगों को बराबर बराबर की रकम दी गई। दिया किसने? ये जो मैनेजर साहब थे उनके बरेली में एक मित्र हैं जिनका नाम है सुहेल अकरम। उसने जो है मैनेजर साहब से कहा कि हमको इस तरह का अकाउंट चाहिए और उसके बाद इनसे जो भी अकाउंट लिया, जो भी किट वगैरह थी उसका, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पासवर्ड, सब कुछ लेने के बाद साइबर अपराधियों को बेच दिया। पुलिस का ये कहना है कि इन 12 में से केवल एक अकाउंट में ही अभी फिलहाल जो है राशि आने का पता चला है और खोजबीन जारी है, पूछताछ जारी है। उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये कोई एक बड़ा नेक्सस था जैसे कि पिछले केस में हमने देखा जहां 2000 से अधिक खाते थे तो उसका भी पता पुलिस लगाने वाली है। तो इस खबर से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही मिलती है कि भाई साहब जिनके ऊपर दारोमदार है कि वो साइबर क्राइम को रोकेंगे, वही लोग अगर इसमें लिप्त हैं तब तो भगवान बचाए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके 9,52,000 रुपए गए थे क्या उसको पैसे वापस मिल गए अरेस्ट होने के बाद? ये तो अरेस्ट हो गए, ठीक है, वो 1.5 लाख रुपए जिसे खाते में गए थे निकाल लिए होंगे, सब जांच चल रही है, सब कुछ है, मिला क्या उसको? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि काम की है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।